गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जकूक वहाँ से भाग गया था अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखे, और फिर ना कार में आता है, कार ना बहुत तेज ड्राइव करके ना अपने मेंशन वापस आता है। ना फुल ना सारे ड्राइविंग के रास्ते में ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको ना सारा रिग्रेट हो रहा था। उसको याद आता कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के इस गोल्ड डिगर के चक्कर में, इस चीटर के चक्कर में उसने अपने हस्बैंड के साथ क्या हाल किया था। तो उसको वो सारा बात याद आ रहा था, उसको वो वाला दिन याद आता था जब उसने डिवोर्स दिया था जकूक को, ना वो सारा टाइम याद आता था जब वो कार में रो रहा था। सारा उसको सब कुछ याद आ रहा था, सारा फ्लैशबैक उसको याद आ रहा था। उसको याद आ रहा था कि जिबिन कितने प्यार से उसके लिए कुकिंग किया करता था, बट हर टाइम ना उसका वो या तो वेस्ट कर दिया करता था जकूक, या तो उसका इंसल्ट कर दिया करता था। कभी भी उसने खाया नहीं, वो रोज़ाना भेजता था, रोज़ाना ना काफ़ी टाइम से वो भेजता रहता था, ये ना लंच भेजता था उसके ऑफिस में लंच बॉक्स बना के, बट उसका कभी भी उसने नहीं खाया था। हमेशा उसको ना डस्टबिन में फेंक देता था, और ना जिमिन का आके बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता था। इवन के उस पर उसने काफ़ी टाइम से ना हाथ भी उठाया था, तो उसको सारा वो याद आया था। उसको ना अपने गर्लफ्रेंड के चीट करने पर नहीं, उसको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने उस गोल्ड डिगर की वजह से अपने हस्बैंड का क्या हाल किया। तो ना वो बहुत ज़्यादा घर आके बहुत ज़्यादा रोता है, वन वीक तक तो उसका यही हाल था। बहुत ज़्यादा ना जकूक ड्रिंक करते, बहुत ज़्यादा वो ना फुल रूम में ना बस अल्कोहल की स्मेल थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर वो सोचता है नहीं मुझे जीवन को ढूंढना चाहिए, तो वो सारा ढूंढता है, हर किसी से पता भी करता, मीन्स काफ़ी जगहों पर ढूंढता, पर जीवन नहीं मिलता। वो बिल्कुल जीवन के पीछे ना क्रेजी हो चुका था। उसको उसके अब गर्लफ्रेंड का कोई वो नहीं था, मीन्स उसको अपनी गर्लफ्रेंड की चीट लेने पर दुख नहीं था, उसको ये दुख था कि उसने जीवन के साथ ये किया। तो काफ़ी टाइम तक ढूंढता बट उसको जीवन कहीं नहीं मिलता। अब हम सीन का शिफ्ट करते हैं 2 ईयर्स बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन को जो कि ना एक वहाँ होता है ऑफिस में जाता है, और वहाँ ना उसके हाथ में काफ़ी सारी फाइल्स होती है। वो ना जो CEO है उसका ना सेक्रेटरी था, तो वो वहाँ जा रहा था, और ना वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहाँ उसे देखे ना लड़कियाँ भी, लड़के लड़कियाँ सारे उसको देखे ना ड्रॉल कर रहे थे। एज जो जब जिमिन था उसने ना अभी भी स्पेक्स लगाए थे, बट वो ना बहुत ज़्यादा उसमें भी सेक्सी लगा था। उसके ना पोनी जो उसने किया था ना पोनी टेल, उसने फुल बालों का पोनी टेल किया था। उसके पास थोड़े से ना बिल्कुल शोल्डर तक आते थे, इतने बड़े थे, और बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि ना वो किसी को भी आराम से ना मीन्स कहते हैं ना वो ज़्यादा हॉट डैडी मटेरियल टाइप लग रहा था, और वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। जा रहा था वहाँ से और सब उसको देख रहे थे, उसने फुल ब्लैक आउटफिट पहना था, और वो तब भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। और ना वो फाइल लेके जाता है बगैर ना डोर पे लॉक किए, अंदर चले जाता है, और अंदर जाता है तो ना तेंग जब उसको इस तरह देखता है तो फिर ना बस अपने ना हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कोशिश करता है, क्योंकि इस 2 ईयर्स के टाइम में ना उसको तेंग को बहुत ज़्यादा ना जिबिन से प्यार हो गया था, और ना जिबिन और तेंग अब एक साथ ही रहते थे। जो जिमिन के लिए ना अभी भी तेंग ना एक फ्रेंड था, मे बी था, तो ना उसको अभी भी फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था। और जो जकूक तेंग तो वो किसी मैसेज करता था, बट उसके लिए ना फीलिंग्स आ गई थी जिमिन के लिए, उसके ना हार्ट में फीलिंग्स आ गई थी। और वो ना और यहाँ पे उसने ना अपने फादर की कंपनी को संभाल लिया था, अपने फादर की कंपनी को संभाल लिया था, और जिमिन उसके साथ ही ना उसका वर्क करता था। एज वो ना बल्डर नहीं बनाया जाता था, तो वो अपना ही ना मीन्स करता था, तो अपना ना खुद का जॉब करना चाहता था। तो तेंग ने उसको ऑफर किया था कि तुम मेरा सेक्रेटरी बन जाओ, क्योंकि एज तुम्हारे क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छे। तो जिमिन भी मान गया था। उसके बाद फिर उसने ना खुद को वो किया था, चेंज किया था फुल। तेंग ने मना किया था कि ऐसा ना करो, तो जिमिन ने खुद बोला था कि नहीं वो करना चाहता है। तो उसने ना बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जिम ज्वाइन किया, और काफ़ी ज़्यादा ना उसने बिल्कुल ही फुली चेंज कर लिया। बस एक स्पेक्स का था मसला, तो वो उसने वो लगा रखे थे, वो अभी भी ना उसे यूज़ उसने ना ट्राई किया था कि वो कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाया करेगा,
तो बट लगाया था उससे ना उसको इचिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो नहीं लगा सका, इस वजह से वो स्पेक्स लगाता है। तो इस वजह से ना वो राउंड ग्लासेस करके ना ऐसे स्पेक्स वाला लगाता है, तो वो यूज़ करता है। तो फिर ना तेहन को ना वो हर ग्रुप में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता था, बट अब वो ना उसको बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है, और वो ना उसका लिए ना डे बाई डे बहुत ज़्यादा प्यार में गिरता जाता है। इस तरह करके ना वो फाइल्स लेके आता है, जैसे हम देख रहे थे प्रेजेंट का सीन, तो वो फाइल्स लेके आता है और जो तेंगो था बस अपने हार्ट को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। तो तेंगो के पास वो जाता है और कहते हैं कि ना बॉस ये ले आपने जो फाइल्स मंगवाई थी, और आई एम सो सॉरी मैं नोक करना भूल गया, एक्चुअली मैं कुछ और सोच रहा था, ये बोलता है। और फिर ना वो करता है, तो फिर ना जो तेंगो था वो ना स्माइल करते हुए कहते कि ना कोई जरूरत नहीं जब आपको कोई मसला नहीं। मीन्स वो होता है जो ऑफिस में होता है ना तो ना ऐसे बिल्कुल फॉर्मल होकर बात करते हैं, बट घर में नहीं ऐसा करते। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते हैं कि ना बोस आपको कोई और काम है, तो जो तेहन होता है वो ना कहते हैं कि ना मुझे शेड्यूल चेक करके बताओ कि मेरे कोई और वो है। तो जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आने से पहले आपका ना शेड्यूल चेक कर चुके हूँ, और आज आप अब बिल्कुल फ्री हो, बस सिर्फ एक ना लंच के टाइम आपका ना एक मीटिंग है ना जियोन कंपनी के साथ, वो ये बोलता है। और फिर ना वो बिल्कुल एक सीरियस फेस लेके बोलता है। तो ना तेंगो ना कुछ टाइम तक बस जिमिन की तरफ देखता है, बिकॉज वो सोचता है कि ये क्या जिमिन को पता है कि ना जियोन जंकुक है। तो फिर ना जंकुक के बारे में बोल रहा है, तो ना वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि जंकुक के ना जियोन कंपनी का सीईओ कौन है। तो ना जो जिमिन होता है वो ना थोड़ा कन्फ्यूज होता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना ऐसे अजीब सा लुक देता है, तो तेहन को ना सच में आइडिया हो जाता है कि हाँ सच में उसको ना नहीं पता वो के ना कौन है, क्योंकि जो लास्ट ईयर है ना उसका सीईओ चेंज हो गया था। फर्स्ट जो जंकुक था वो वहाँ का ना वो था क्या कहते हैं, पहले उसका सीईओ नहीं था वहाँ पे ना, अपने फादर के साथ हेल्प कराता था, बट लास्ट ईयर ना उसको सीईओ बना दिया गया था। और इस बारे में ना जो जिमिन को ना कुछ नहीं पता था, बस उसको पता था वो अपने ना फादर का हाथ बटाता है कंपनी में, और ना सो ये नहीं पता था कि ना जिमिन उसको बस पता था कि उसका कंपनी कहाँ पे है, ये नहीं पता था कि उसका कंपनी किस चीज़ का ही है, उसकी कंपनी का नाम क्या, कुछ भी इस तरह करके ना उसको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इस तरह से ना वो नॉर्मल फेस लेके बोलते कि मुझे नहीं पता। तो फिर ना जो तेहन होता है वो कुछ बोलते नहीं, और फिर कहते कि तो मेरे साथ चलोगे। तो जो जिमिन होता है वो ना तेहन की तरफ ना एक अजीब लुक देता और कहता है मैं आपका सेक्टर मुझे जाना ही होगा। तो तेहन कहते नहीं तुम ना चलो। तो फिर कितना जो जिमिन होता है वो कहते हैं बट सर ये मेरा जॉब है मुझे आपके साथ जाना होगा। तो तेहन ना मना करने वाला था, फिर वो ना चुप कर जाता है और जिमिन की तरफ देखने आता है, और फिर कुछ बोलता नहीं, और फिर कहता है ओके ठीक है तो रेडी हो जाओ हम फिर ना जाने वाले हैं। और फिर हमारा वो है कहाँ पे मीटिंग, तो जिमिन बताता है कि एक रेस्टोरेंट पे ना लंच टाइम पे। तो जिमिन ये बोलता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। और तेंग ना बस सोच होता है कि जंकुक को देख के जिमिन क्या रिएक्ट करेगा, ये सोचता है। और फिर ना अपने आइज को ना टाइटली क्लोज हो लेते हैं और अपना ना हेड को ना मसाज करने लगता है। अब हम देखते हैं कि ना हाफ आवर बाद का सीन, जहाँ पर ना दोनों कार में थे और जो तेंग था वो ना जिमिन इनकी तरफ देख रहे थे, बट जो जिमिन था वो चुप करके बैठा हुआ था और बस ना कार से ना बाहर की तरफ देख रहा था। और फिर ना बैठा होता तो फिर ना जो तेंग पूछता है कि तुम ठीक हो, तो ना जिमिन ना तेंग की तरफ देखता है और फिर कहता है यस सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे क्या हुआ। तो फिर ना जो तेंग होता वो बस चकल देता है और फिर कहता है कि ना ना हो इतना भी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, अब तो बुला लो तुम, जब भी सर बुलाते हो मुझे बहुत अजीब लगता है तो मुझे तेंग ही बुलाया करो। तो फिर ना जो जिमिन होता स्माइल कहता है, फिर कहता है बट आप मेरे बॉस हो और ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो फिर कहता है अभी हम कार में हैं तो कोई मसला नहीं। तो फिर ना जिमिन स्माइल कहता है, फिर कहता है कि ना मेरा मूड बिल्कुल ठीक है तेई, वैसे बोलता है। और फिर ना तेंग स्माइल कहता है, फिर कहता है दैट्स व्हाई, ये बोलता है। और उसके बाद फिर ना वो पहुंच जाते हैं ना जो होता है रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। और फिर ना वहाँ पे ना वो तेंग जाता है और फिर ना एक उस जाके सीट पे जाके बैठ जाता है जो उनके रिजर्व हुई थी जो VIP सेशन में थी। तो वहाँ पे ना जो तेंग के साथ ना जिमिन भी बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद ना वहाँ ना जंकुक भी आ जाता है। जंकुक जब जिमिन को देखते तो वो कहते जिमिन
और जिमिन जब जोंगको को वॉइस सुनता तो वो बिल्कुल छो जाता और ना जोंगको की तरफ देखने लगता है, और जोंगको को तो बगैर टाइम वेस्ट किए ना जाके जिमिन को हकल लेता है। और ये देखे ना तेंग को ना बहुत ज़्यादा ऐसे ना अपने हार्ट में पेन फील होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है और ना चुप करके बस उन दोनों को देख रहा था। जिमिन था वो फुली शोक होता है।